तो तो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का जैसा कि यहां पर आप लोग देख सकते हो ट्रांसफर की प्रक्रिया सात नवंबर से शुरू होगी यानी आज से शुरू हो गया है आवेदन लेने की प्रक्रिया और 22 नवंबर तक चलेगी शिक्षकों को 10 विकल्प देने होंगे नहीं तो खाली जगह भेजा जाएगा आप लोगों को मैं बता दू इन सभी मुद्दों को लेकर अब एक बार फिर नियोजित शिक्षक काफी ज्यादा आक्रोशित है और कोर्ट तक का रुख कर लिए हैं यहाँ पर और क्या कुछ बताया गया शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया सात नवंबर से 22 नवंबर तक चलेगी शिक्षकों की पोस्टिंग के लिए 10 विकल्प देना अनिवार्य है बाकी वही सभी डिटेल इंफॉर्मेशन इसमें बताया गया है जो शायद आप लोगों को पता भी है ये भी सवाल उठ रहा है है कि एक्चुअल में किस दिन से पोस्टिंग प्रक्रिया शुरू करने की गुंजाइश आप लोगों को मैं बता दूं फिक्स डेट तो नहीं अनाउंस है बट आश्वासन बिहार सरकार के द्वारा दिया जा रहा है कि 25 नवंबर के आसपास सभी के ऐच्छिक ही स्थानांतरण शुरू हो जाएंगे और सक्षमता टू के कुछ ऐसे विषय थे जिनके परीक्षा को रद्द कर दिया गया था वो परीक्षा बहुत ही जल्द पुनः होने वाला है तो जैसे ही वो परीक्षा कंप्लीट होगा तो सक्षमता टू के भी प्रक्रिया बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने वाली है और उम्मीद लगाया जा रहा है कि उनके भी जल्द से जल्द रिजल्ट इसी मंथ में लास्ट में जारी हो जाएगा और उनके भी काउंसलिंग प्रक्रिया तत्काल कंप्लीट कराते हुए चुनाव के कारण ही सही पोस्टिंग प्रक्रिया भी उनकी जल्द से जल्द पूरी की जाएगी इसके अलावा टीआर थ्री के भी नतीजे अब कभी भी जारी किए जा सकते हैं इन सभी से जुड़ी कोई नई आएगा डेफिनेटली इन्फॉर्म कर दिया जाएगा वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर हो तो सब्सक्राइब करके आइकन को जरूर प्रेस करें थैंक यू